नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है राजस्थान जीके यानी कि फर्स्ट पेपर, राजस्थान पीटीआई। जो भी दोस्त राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान जीके फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे लगातार कराई जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तैयारी कर सकें और सफलता हासिल कर सकें राजस्थान पीटीआई में। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भौगोलिक दिशाओं, और आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक विभाग यानी कि राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दिनों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो राजस्थान के भूगोल में जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राकृतिक विभाग, और आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। भौगोलिक दिशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 4, भौगोलिक दिशाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 33 सागर का भाग है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से 33 सागर का प्राचीन भूखंड का भाग है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर कि रेगिस्तान है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग रेगिस्तान है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? तो पहाड़ी प्रदेश जो है वो सबसे कम एरिया में फैला हुआ है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 2/3 भाग में थार मरुस्थल जो है वो विस्तृत है यानी इसका इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, अजमेर जिले में है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, जैसलमेर रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया है, तो किस भाग ने राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, अरावली पर्वत श्रेणियों ने। जरगा पर्वत किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, शेखावटी निम्न पहाड़ियां व मारवाड़ पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे लघु मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गुंडा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 भुराट के पठार की बात यहाँ पे की जा रही है। भुराट का पठार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सांभर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितना है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। तो अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 692 किलोमीटर अरावली पर्वत की कुल लंबाई है। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सांभर गैप इस करेक्ट आंसर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सिरोही। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर,
शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। राजस्थान की चोटियों का अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में उनकी ऊंचाइयों में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सबसे बढ़ते से घटते यानी कि शेर, देन जरका, देन सज्जनगढ़ एवं तारागढ़, ये सही सीक्वेंस है। शेर, जरका, सज्जनगढ़ व तारागढ़। राजस्थान के जिस जिले में, किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सिरोही, सिरोही जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नीलगिरी पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला नीलगिरी पर्वतमाला है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। दक्षिण पूर्व, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत पठार का विस्तार है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 61% भाग भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है राजस्थान का। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 60 डिग्री से अधिक क्षेत्र को पश्चिमी मरुस्थल भाग जो है वो घेरता है। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बांसवाड़ा जिले में 56 बेसिन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु पर्वत शिखर यानी कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1722। राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, चंबल बेसिन। यानी कि राजस्थान में जो चंबल बेसिन है वो संपूर्ण भारत में बीहड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर वन कांठल। कांठल भूभाग को बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग के रूप में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को कांठल के रूप में जाना जाता है। अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी रेतीली भूमि। अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहा जाता है। अरावली पर्वत राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 9.0%। अरावली पर्वतमाला राज्य के 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 90%। भारत के थार मरुस्थल का 90% भाग राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, सही मिलान करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि रघुनाथगढ़ जो है वो रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर जो है वो सिरोही में है, जरगा जो है वो उदयपुर में है और जयगढ़ जो है वो जयपुर में है। तो रघुनाथगढ़ का किला सीकर में है, शेर की जो पर्वत जो पहाड़ी है, शेर पहाड़ी, शेर के नाम से जो राजस्थान की पहाड़ी है वो सिरोही में है, जरगा का पठार उदयपुर में है और जयगढ़ का किला जो है वो जयपुर में है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 550 किलोमीटर। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर। अरावली की उच्चतम चोटी के रूप में जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भोराट। भोराट जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों आप इसे चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक्चुअली उड़िया जो है वो राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है अकॉर्डिंग टू मी।
इसका आंसर आंसर की के अकॉर्डिंग भोराट दिया हुआ है जो कि मुझे गलत लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। घग्घर का मैदान स्थित है, तो घग्घर का मैदान कहाँ पर स्थित है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में घग्घर का मैदान स्थित है। भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक भोराट का पठार स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भोराट के पठार से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, उड़िया का पठार जो है वो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है? सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है अरावली पर्वत की? ऑप्शन नंबर वन सिरोही। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। गलत युग्म की पहचान आपको करना है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सीकर। सीकर जो है वो गुरु शिखर चोटी सीकर में स्थित है, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए, सिरोही में अचलगढ़ की चोटी और अजमेर में तारागढ़ चोटी और जयपुर में जो है खो चोटी, ये सही है। सीकर गुरु शिखर चोटी ये गलत है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट अरावली पर्वतीय अंचल राजस्थान का भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है? अरावली पर्वतीय अंचल। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दौसा। राजस्थान का दौसा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कि कोटा, बारा व झालावाड़ जो है वो राजस्थान के हाड़ौती के पठार में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो मालपुरा करौली मैदान भाग किसके हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बनास बेसिन के भाग के रूप में मालपुरा करौली के मैदान को जाना जाता है। मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन के भाग है। निम्नलिखित में से किस कौन से सही सुमेलित युग्म है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि भोराट का डी का मतलब होता है, आपको बता दें यहाँ पे 1, 2 एवं 4 जो है वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी घग्घर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ में है, और 2 मतलब शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और भोराट का पठार जो है वो रघुनाथगढ़ शिखर पर है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्घर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बनता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, घग्घर और ब्यास नदियों द्वारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। सही आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो कौन कौन से सही उत्तर हैं, देखिए, नंबर 2 इज करेक्ट, नंबर 3 इज करेक्ट एवं नंबर 4 इज करेक्ट, ये सही आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अरावली पर्वत। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हड़ौती का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत है। तो देखिए, क्या क्या थार के मरुस्थल से संबंधित है कि यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंधित। अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये यहाँ पे आपको अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन की पहचान की गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, जो अरावली के पर्वत के संबंध में कौन सा गलत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये गलत है।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी गिरवा, यानी कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को गिरवा नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि लूनी बेसिन जो है वो बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।